हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो ज़रूर बताना। और अभी दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो पूरे ब्लॉग को देखते रहना आप। चलते चलते आज तो आराम से भी शूट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। अभी घर से निकला हूँ तो शवाड़ पैदल जाना है। इस टाइम अभी बसें नहीं मिलती है और गाड़ियाँ भी कोई इस टाइम नहीं मिलती है। तो अभी दोस्तों मैं फटाफट जा, अभी 11-12 बजे मैं यानी पहुंचना चाहिए। और अभी ना टाइम हुआ है 9:30, नहीं 10 बज गए हैं। 9:58 पे मैं घर से निकला था और अभी 10:08 इतना हुआ है। तो काफ़ी रह गया है चलने को, 40 मिनट लग जाएंगे अभी शवाड़ तक। और तो पीछे नाना जी आ रहे हैं और मैं आगे आगे गया फटाफट। मेरे को थोड़ी जल्दी लगी हुई है, मैं जल्दी पहुंचना चाहिए आगे भी। मौसम का कोई पता नहीं चलता है, आपको पता ही होगा। तो इस साइड जो हमारा खेत है, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और शवाड़ भी यहाँ से चलो 40-50 मिनट की दूरी पर। सामने का व्यू दिखा दूँ थोड़ा बहुत, फिर चलता हूँ, आपको मिलता हूँ फिर शवाड़ में ही। और सामने का व्यू देख सकते हैं आप। ना दोस्तों, फाइनली मैं शवाड़ में पहुंच चुका था और अभी लग चुकी है यहाँ पर मुझे ब्रेक। और यहाँ पर बस से भी कोई नहीं आती है, टाइम लग जाएगा बसों को आने में। तो बोल अभी आपको मैं दिखाता हूँ शवाड़ की मार्केट। ये देखिए दोस्तों, ये है शवाड़ की छोटी सी मार्केट, आप देख सकते हैं। कुछ एक शॉप्स खुली हैं और कुछ एक बंद है। तो अभी बजे हैं 11 और टाइम से ही मैं पहुँच चुका था शवाड़ में भी। और यहाँ पहुँच के दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सारा जाम लग चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर ना थोड़ा बहुत काम चला है रोड का, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी बस और गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इसमें 40 बसें उस साइड से थी और 40 हमारी साइड से। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर दिखा होगा आपको, यहाँ पर लगे हैं 4-5 आदमी को निकालने यहाँ से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आए आए कुछ दिन यहाँ पर जो है पत्थर गिरते रहते हैं। बहुत पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरे थे तो नाला फुल हो चुका था दोस्तों, तभी यहाँ पर काम चला। तो अभी ना फाइनली दोस्तों मैं आनी में पहुंच चुका था और आप देख सकते हैं आनी का न्यू बस स्टैंड कुछ इस तरह से। और मुझे मिल चुकी है अंबिका बस और सीट बिल्कुल भी नहीं है बस में, तो पीछे दोस्त मिले थे यहाँ। तो दोस्तों चलते हैं यार अभी।
अच्छा दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन में, जहाँ मुझे पहुँचना था, जहाँ मुझे आना। तो मैं आया हूँ कुमारसेन को बुआ के पास। तो वहाँ से ना व्यू कुछ अलग ही दिखता है, और यार क्या ही बताऊँ, ना बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। जहाँ किया वहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिला था। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं घर से सुबह आया, मैं 10 बजे आया था यार, टाइम क्या 10 बजे आया था मैं। फिर 11 बजे मैं पहुंच चुका था श्वाड में, फिर आपको वहां पर थोड़ा बहुत दिखाया था। श्वाड के बाद फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया, वहां पर श्वाड में मुझे पर चाचू का ही था, वो तो अपने ही है। और उसके बाद जैसे ही वहां मुझे टिप्पर मिला, और आगे वहां पर थोड़ा 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे श्वाड से वहां पर रोड का काम चला है। वहां पर ना कम से कम हम लगा हुआ था, और जहां पर रोड का 12 बजे हम वहाँ से चले, और 1-1.5 बजे मैं आ चुका था, क्योंकि आगे भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद आनी में थोड़ा बहुत काम किया अपना, उसके बाद आनी से अंबिका बस में आया, और फाइनली फिर मैं सैंज में पहुँच चुका था। और आनी से सैंज बस ना फुल स्टैंडिंग में थी, और मैम भी खड़ा ही आया, मेरे को सीट मिली लूरी से पीछे जैसे मिली सीट मुझे। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे बीच में शूट करने का, हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल ही। और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे टेरेस में, ठंड भी लग रही थी, धूप में आया हूँ अभी। तो दोस्तों कुछ ऐसा है। और उसके बाद साइंस से मुझे मिली बस, देवभूमि नाम से कुछ बस है, और उसमें आया मैं भराड़ा तक, आ गया यहाँ तक। तो दोस्तों कुछ इस तरह का मेरा ये आज का सफ़र रहा, और प्लीज़ करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय। और ये वाला इलाका दोस्तों, ये है कोटगढ़ वाला इलाका, और ये है निथर, ये इस साइड को जो आपको दिख रहा है पीछे, निथर का इलाका है, और सोई धार भी इस साइड है, और ये इधर पार है दलाश। यहाँ पर कोई दलाश से वीडियो देखता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये है कुमारसेन की मार्केट इधर, और यहाँ पर कुछ एक मकान बनाए हैं, और आप देख सकते हैं साथ ही कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। यहाँ ऊपर बस स्टैंड है, और आप देख ही सकते हैं अभी धूप लगी है थोड़ी बहुत, अब सूरज दादा भी जाने वाले हैं। तो अपना इलाका जो है इस साइड को है, इस साइड से मैं आया, तो वहाँ देख सकते हैं आप SSB वालों का। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम यहाँ पर आया करते थे, बीच में लग जाते थे कैंप यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको ग्राउंड दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आया करते थे। तो कुछ इस तरह का दोस्तों यहाँ का व्यू। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।